मन की बात में क्या सुना, मन की बात तो अपनी बीबी को सुनाया करा, वो आदमी आकर के हाँ देश को मन की बात बता रहा, दूसरे कोई सवाल जवाब नहीं होना चला था मामला। मन की बात में डिसलाइक वाला ऑप्शन ही बंद कर दिया वो। अब नो बता उनका कांग्रेस खराब है, वे आदमी खराब नहीं है जो उनसे 167 आदमी लेकर बैठे अपने साथ, उनके भी तो विचार वही होंगे जब कांग्रेस खराब थी। किसान मारेगा नहीं, किसान मानेगा नहीं। देखिए मोदी जी यदि आंदोलन जी भी कह रहे हैं तो मोदी जी को इस बात का पता होना चाहिए कि देश आंदोलन से ही आज़ाद हुआ था। जैसा आप जानते हैं कि सरदार भगत सिंह से लेके राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला का जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, फांसी पे चढ़े, तो देश आज़ाद हुआ गांधी जी के असहयोग आंदोलन से। आज मोदी जी दूसरों को कह रहे हैं उन पर क्या कमेंट करना, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी गुमराह कर रहे हैं और किसी भी बात को उल्टा सीधा करके झूठ बोल रहे हैं, गुमराह करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। परजीवी और आंदोलन जी भी कहना उनके लिए न्यायोचित नहीं है। एकदम सरकार के कान हिल गए हैं, चूल्हे हिल गई है, सरकार को फर्क पड़ा है। आपको पता है कि अभी मोदी जी किसानों के शहीद पे तो नहीं आए, लेकिन आंसू घड़ियाली आंसू बहा रहे थे गुलाम नबी आज़ाद के विदाई के दिन, तो वो इनडायरेक्ट में किसानों की भी समस्या उनके जहन में है कि यदि मोदी जी सारे काम तो उल्टा सीधा कर ले गए, लेकिन यदि किसान बिल वापस नहीं किए तो उनकी भी तख्ता पलट हो जाएगी। आंदोलन जी भी जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि बताइए देश जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये आंदोलनकारियों ने आज़ाद कराया था, आप जैसे लोगों ने आज़ाद नहीं कराया था। इसलिए मोदी जी को समझा दीजिए कि जल्दी से जल्दी किसान बिल वापस करें, कृषि बिल वापस करें और MSP लागू करें, नहीं तो किसान मानने वाला नहीं है। किसान मारेगा नहीं, किसान मानेगा नहीं और आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। अभी 2 अक्टूबर कहा गया है, हम लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, ये सब सारी जो भी टिकैत जी का निर्देश होगा ऐसे चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा और नहीं तो जब तक ये सरकार बदल नहीं दिया जाएगा। देखिए आंदोलन तो पहले से होते आ रहे हैं, सबसे बड़ी अपमान की बात तो ये है जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने का काम किया उन लोगों के ऊपर भी उन्होंने बट्टा लगाया, इतनी बड़ी बात उन लोगों के लिए बोली, शर्म की बात है। क्योंकि परजीवी कौन है? परजीवी वो चीज़ है जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता हो, और मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी परजीवी भाजपा सरकार है। कांग्रेस के आदमी लेकर 167 सांसद लेकर बैठी सरकार में, अब नो बता उनका कांग्रेस खराब है, वे आदमी खराब नहीं है जो उनसे 167 आदमी लेकर बैठे अपने साथ, उनके भी तो विचार वही होंगे जब कांग्रेस खराब थी। अब ये इन्होंने कह दिया, किसानों कह दिया कि परजीवी है, आंदोलनकारी है, भाई आंदोलन तो करेगा इस देश का आदमी, लेकिन सबसे बड़ी अपमान की बात यह है जो हमारे पुराने क्रांतिकारी थे उनके ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाया, शर्म की बात है। और आज ये कह रहे इन्होंने नहीं किया आंदोलन, अब तक इन्होंने भी तो आंदोलन किए। इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इतनी बढ़िया कुर्सी पर जो बैठा हुआ आदमी है, उसे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, अपनी सड़क पर बैठ करके अपने हकों की मांग कर रहा। इसने कोई रास्ता बंद नहीं किया, सरकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए, कांटे लगा दिए, उन्होंने कांटे लगाए, हमने फूल लगाए, तुम लगाओ कांटे कितने लगाओ हम तुम्हारे लिए फूल बोएंगे, तुम हमें फांसी दो हम तुम्हें अनाज देंगे खाने के लिए। किसान तो इसलिए खड़ा है, अरे हम दूध देंगे, दही देंगे, सब चीज़ तुम्हें देंगे जी। बाढ़ होंगे सिर में जूम तो जी भी रहेंगे कि वह जूम तो नीचे आ ली ना डाड़ी में, समस्या वो हो रही ना डाड़ी में आ ली ना, सिर तो जब भी खुजावेंगे समस्या तो वही है ना। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री, जैसे किसानों को 78 दिन हो चुके और अमेरिका के अंदर 4 आदमी मर गए दंगे में, उसके मित्र डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वहाँ से जाकर दंगे हो गए, तो उन पर तो दुख प्रकट कर दिया, यहाँ 150 ज़्यादा किसान मर गए, यहाँ तो आज तक इन्होंने वो कराया नहीं भाई कुछ भी, कोई दुख प्रकट हुआ अब तक। धरना प्रदर्शन तो भाई चलता रहेगा, 2024 में ही भाजपा गई, या तो पहले ले लो या बाद में जाएगा, नहीं तो धरना 2024 तक भी चलेगा, यहीं बैठे रहेंगे हम, यहाँ से जाने वाले ही नहीं। सरकार मानने की जब हमें तो कहते रहे 2024 में ही आओगी ना, चुनाव तो उससे पहले हो लेंगे, सरकार जाके जी मान लेंगे। यार हमें नहीं पता ये पहले NRC लेकर आए, CA लेकर आए, जितने भी बिल आज तक लेकर आए, कोई भी इनका पता नहीं निकाल कौन से बिल लेकर आए, किसी के समझ में नहीं आते। ये पता नहीं ये पृथ्वी के आदमी है या कहीं चांद पांद बताए जो इनकी समझ में आओ, हमारी तो समझ में आते नहीं। और ये बिल भी ऐसे लेकर आए किसानों को, 3 बिल उसके लिए कोचिंग मास्टर रखना पड़ा याद करने के लिए, पूरी मेहनत करनी पड़े भाई जाकर का कोई पूछ ना ले क्योंकि इतना लंबा है। मैं तुम्हें कह रहा मोदी जी से, मैं तुम्हें कह रहा तुम भी 70 दिन से हो, चलो सुनाओ क्या है तीनों बिल, एक कॉल की दूरी, हम तो कह रहे मोदी जी एक कॉल की दूरी पे तीनों बिल नुक नहीं बता दो, सामने देखा पूरा नाम बता दो उनको, मोदी जी बता दो उन बिलों का नाम भी, एक 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 कॉल की दूरी बता रहे, कॉल करने को तैयार नहीं है, कॉल की दूरी बता रहे, यहाँ कांटे लगा दिए, डिवाइडर लगा दिए, चारों तरफ से हमें बंधक बना दिए, हमें मारने का प्रयत्न करूँ जा यहाँ से, रोजाना फोर्स बढ़ाऊ जा, और क्या एक फोन की दूरी है जाकर वहाँ से संसद भवन में क्या सुबह दिए घड़ियाल हसू, ये तरीका है देश के प्रधानमंत्री का काम है। अरे देश का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है और यहाँ खड़ा होकर रो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या रिपोर्ट जा रही है उसकी, किसानों के लिए तो एक दिन भी आंसू नहीं बहाए।
यहाँ किसान रो रहे हैं, यहाँ किसानों की इतने परेशान है, उसके लिए तो सुनिए भी भाई, दो चीज़ है, समस्या पे ध्यान दोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, समाधान पे ध्यान दोगे समाधान बड़ा हो जाएगा। अब तक वे समस्या पे ध्यान दे रहे, कल समस्या तो हटानी नहीं, उसके समाधान पे ध्यान दे वे तो समाधान हो जाएगा इस चीज़ का। भाई क्या चीज़ है, एक बात बताओ भाई, एक गिलास पानी ले लिया हमने, उसमें एक चम्मच का जहर गिर गया, उसमें तुम सारा पानी निकाल लो, पानी तो पूरे जहर का ही हो गया वो, अरे उसे ले लो वापसी, लेने में क्या दिक्कत है। जब नहीं चाहिए किसानों को, हमें तो नहीं चाहती दुगुनी आए, हमें तो अच्छा स्वामीनाथनी रिपोर्ट लगा दो, हमें तो, हम तो उसमें घुस, हम तो डेढ़ गुना में ले लेंगे, हम दो गुनी का क्या करेंगे अपनी का। मन की बात में क्या सुनेंगे, मन की बात तो अपनी बीबी को सुना कर रहा है वो आदमी आकर के, हाँ देश को मन की बात बता रहा, दूसरे कोई सवाल जवाब नहीं होना चला था मामला। मन की बात में डिसलाइक वाला सारा ऑप्शन ही बंद कर दिया वो, क्योंकि लोगों ने मन की बात सुननी तो पसंद नहीं करे, डिसलाइक मारना शुरू कर दिया, तो इन्होंने क्या काम करो, ऑप्शन से बंद कर दिया, क्या लगा भाई गड़बड़ हो गया, तो शर्म की बात है। मन की बात करिए यार, अपनी बीबी के साथ करो, अपने घर वालों के साथ करो यार, देश के साथ मन की क्या बात करनी, बात करनी मोदी जी आकर, मन की बात करनी हमारी गल कर लो ना, आकर किसान बैठे यहाँ से आ जाओ, मन की बात सुनेंगे सारी पूरी, कामना करें हमारे मन की सुनते नहीं।